ये बीजेपी वाले आज कुछ भी कहें, 150 से ज्यादा संकल्प बीजेपी ने लिए थे, एक भी संकल्प पूरा नहीं किया। बीजेपी वाले कहा करते थे कि हम सद्भाव कायम करेंगे, हरियाणवी एक और हरियाणा एक बनाएंगे। अरे हरियाणवी एक और हरियाणा एक तो दूर, आपने ऐसा जहर बीजेपी वालों इस हरियाणा में फैला दिया जिसकी जिसको ठीक करना, जिसका सुधार करना या तो मेरी पीढ़ी के नौजवान जानते हैं या वो कठिनाई आने वाली पीढ़ियों को होगी। आप सहमत हो कि नहीं? 36 बिरादरी के बीच में 35 और एक का नारा देकर, कभी किसी राजकुमार सेने जैसे व्यक्ति को हवा देकर इस हरियाणा के माहौल को खराब करने का काम किया। जाट आरक्षण जो था वो जाटों की लड़ाई सरकार से थी और अपनी मांगों को लेकर के थी, जाटों की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं थी। मगर ये आप और हम मानते हैं कि उसको उस लड़ाई में अगर उस आग में घी डालने का काम किया तो वो बीजेपी के इशारे पर राजकुमार सैनी जैसे लोगों ने किया, एक कौम को बदनाम करने के लिए, जिसके कारण हरियाणा में वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल सके। मगर इनके ये नाकाम मंसूबे, इनके ये बेगैरत मंसूबे, आज हम संकल्प लेकर के जाएं गोहाड़ा की इस पावन पवित्र धरती से कि हम सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोग इनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, हरियाणा में कामयाब नहीं होने देंगे। ये बीजेपी वाले आज कुछ भी कहें, 150 से ज्यादा संकल्प बीजेपी ने लिए थे, एक भी संकल्प पूरा नहीं किया। बीजेपी वाले कहा करते थे कि हम सद्भाव कायम करेंगे, हरियाणवी एक और हरियाणा एक बनाएंगे। अरे हरियाणवी एक और हरियाणा एक तो दूर, आपने ऐसा जहर बीजेपी वालों इस हरियाणा में फैला दिया जिसकी जिसको ठीक करना, जिसका सुधार करना या तो मेरी पीढ़ी के नौजवान जानते हैं या वो कठिनाई आने वाली पीढ़ियों को होगी। आप सहमत हो कि नहीं? 36 बिरादरी के बीच में 35 और एक का नारा देकर, कभी किसी राजकुमार सेने जैसे व्यक्ति को हवा देकर इस हरियाणा के माहौल को खराब करने का काम किया। जाट आरक्षण जो था वो जाटों की लड़ाई सरकार से थी और अपनी मांगों को लेकर के थी, जाटों की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं थी। मगर ये आप और हम मानते हैं कि उसको उस लड़ाई में अगर उस आग में घी डालने का काम किया तो वो बीजेपी के इशारे पर राजकुमार सैनी जैसे लोगों ने किया, एक कौम को बदनाम करने के लिए, जिसके कारण हरियाणा में वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल सके। मगर इनके ये नाकाम मंसूबे, इनके ये बेगैरत मंसूबे, आज हम संकल्प लेकर के जाएं गोहाड़ा की इस पावन पवित्र धरती से कि हम सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोग इनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, हरियाणा में कामयाब नहीं होने देंगे।